अच्छा, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिसमें कि हम लोग प्रॉफिट्स को पा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पास उतने मार्जिन नहीं अवेलेबल हो पाते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हमने सारे पैसे अपने स्टॉक्स में लगा रखे होते हैं। अगर आपके साथ भी अगर ऐसी समस्या होती है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए होने वाला है। आपने अगर अपने सारे पैसे शेयर्स में लगा रखे हैं, आपके पास मार्जिन नहीं अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, तो फिर आपके लिए धन ने एक फीचर लॉन्च किया है जो कि है प्लेज का। आप अपने शेयर्स के बिहाफ पे आप प्लेज कर सकते हैं और आप मार्जिन ले सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो इस फीचर को हम लोग कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें हम लोग डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपके पास धन का एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप इसे जरूर से ओपन करें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसे फ्री में ओपन कर सकते हैं और आप इन सारे फीचर्स का आनंद उठा सकते हैं। तो सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और बताता हूं कि आपको कैसे मार्जिन मिल सकते हैं अपने शेयर्स को प्लेज करके डिटेल में। देखिए, शेयर्स को प्लेज करना काफी ज्यादा आसान है। आपके पास सिर्फ धन का एक अकाउंट होना चाहिए जिसे आप फ्री में ओपन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। अभी मैं यहाँ पे web.dhan.co के होम पेज पे हूँ जो कि ये धन का वेब वर्जन है और आप इसे फोन में भी कर सकते हैं। अभी के लिए ये जो वेब वर्जन ये खुला हुआ है, इसमें हमें करना सिर्फ इतना है, ये होम बटन हमारा बाय डिफॉल्ट खुला हुआ है, हमें मनी सेक्शन में आना है। मनी सेक्शन में आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो स्टॉक्स को जो परचेज किया है वो है 36,000 के आसपास की उसकी वैल्यू है, जिसकी मदद से हमें यहाँ पे 28,266 का यहाँ पे हमें मार्जिन का बेनिफिट मिल सकता है। हमें सिर्फ इतना करना है, गेट इंस्टेंट मार्जिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आप इसमें देख पाएंगे कि मैंने HDFC बैंक के शेयर्स ले रखे हैं और रेल विकास निगम लिमिटेड के करंटली मेरी होल्डिंग्स यहाँ पे हैं। आप इसे यहाँ से टिक और अनटिक कर सकते हैं, जिसमें आपको बताना होगा कि कौन से शेयर्स के अगेंस्ट आपको मार्जिन चाहिए। जैसे मुझे रेल विकास निगम लिमिटेड के अगेंस्ट मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है 11,911.50 रुपीज। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसीड टू प्लेज शेयर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको क्वांटिटी इसमें लिखी हुई है क्योंकि ये क्वांटिटी मैंने 45 यहाँ पे खरीद रखे हैं शेयर्स को, तो यहाँ पे 45 बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक स्टॉक यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, एक स्टॉक है और 45 शेयर्स है। एक्सपेक्टेड मार्जिन 7,130 रुपीज का यहाँ पे हमें मिल रहा है। अब आप इसमें देखेंगे कि जो एक्चुअल वैल्यूज होती है उतनी एक्चुअल वैल्यूज यहाँ पे नहीं दिखाई देंगी। इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है, वो ये है कि जो शेयर्स की जो कंपनी जो होती है, जिस कंपनी में के आपके पास शेयर्स हैं, उस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, टेक्निकल्स कैसे हैं, वो मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, इन सारे पैरामीटर्स के बिहाफ पे आपको यहाँ पे मार्जिन दिया जाता है। तो इन सारी चीजों के पैरामीटर के हिसाब से जो मार्जिन हमें मिल रहा है वो 7,130 रुपीज का है। आप यहाँ पे अपने शेयर्स को यहाँ पे आप कम भी कर सकते हैं, और जैसे मैं अगर 2 शेयर यहाँ पे कर देता हूँ तो फिर यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि इसकी वैल्यू कितनी है और हमें यहाँ पे मार्जिन कितनी मिल रही है। ठीक है, अभी के लिए मैं 1 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि 264.70 रुपीज की यहाँ पे इसकी करंट वैल्यू है और 158.46 रुपीज की यहाँ पे हमें इसकी इसके अगेंस्ट आपको जो है मार्जिन मिलना है। कंफर्म पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे CDSL की वेबसाइट खुल गई है, जहां पे आपको इसके अंदर OTP डालना है आपके मोबाइल फोन पे आया हुआ। यहाँ पे इसे वेरीफाई करते ही आपके पास आपको मार्जिन मिल जाएंगे, और इसके साथ ही में ये आपके तब काम आता है जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आपके पास सफिशियंट फंड्स नहीं होते हैं और आपको ट्रेड करना होता है और आपको लगता है कि एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है जिसकी मदद से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्लेजिंग ऑफ शेयर्स काम करते हैं। तो बस आपको इतना ही करना है, जिसके बाद आपको मार्जिन अवेलेबल हो जाएंगे ट्रेड करने के लिए और आप बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये फीचर उन कंडीशंस में खास कर काम आता है जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं ट्रेड करने के, आपके पास मार्जिन नहीं अवेलेबल होता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर इस ट्रेड को हम ले लेते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो इस तरीके से आप शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग धन प्लेटफॉर्म के अंदर अपने शेयर्स को प्लेज करके मार्जिन ले सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोज और देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।